बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली जो भी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, ये व्लॉग मैं अभी एडिट कर रही हूँ। ये एक ही दिन का व्लॉग था सारा, लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, 20 मिनट्स का हो गया था, तो मैंने इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और एक पहले एडिट कर लिया और दूसरा मैं अब एडिट कर रही हूँ। बस फिर यहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे, मिला था और इनके घर शादी है और मेहमान आ जा रहे हैं, लेकिन आज वो बच्चा नहीं, लेकिन आज वो बाकी बच्चा नहीं है। आज पार्क की लाइट्स बिल्कुल चलाई नहीं है। तीन तरह की लाइटिंग की है, एक इधर येलो है, फिर ग्रीन है और फिर वो डिफरेंट कलर्स है। ये वही घर है जहाँ से अभी हम आए थे। हमारे कैमरे की आंख कैप्चर कर रही है उसको। हाँ, मेरी क्यों नहीं कर रही है? लेकिन हो गया है। ये वही घर है जहाँ से हम अभी आए थे और ये यहाँ से इतना प्यारा लग रहा है। और मुझे ऐसे ट्रीज पर लाइटिंग की इतनी अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ मेरा एक घर हो, मेरी गार्डन हो। उस गार्डन में ना मैंने सब ट्रीज पे ना ऐसे लाइटिंग की हो, कितना अच्छा लगे। फिर वहाँ पे मैं बैठा करूँ रात को। कैसे सीखते हैं कुछ? ऐप डाउनलोड करने ले, ऐप डाउनलोड फिर कैसे सीखी जाती है? ऐसे फिर ट्विटर अरेंज कर, ऐसे बड़े बड़े काम छोड़ छोड़ दीजिएगा। ये देखें, हम आके पार्क में बैठ गई हैं, ठीक है, सारी क्लोनी का कश करने। और अब मैं कशफ वगैरह फोक पंजाब की ये है, तजम्मुल कलीम की ये सुनाने लगी हूँ। चले कशफ, आप रेडी हैं? हाँ जी, सुनाओ। हाँ जी। अच्छा, पहली लाइन क्या है? इसलिए उड्डिया रंग सी हो रहे, अपने नाल ही जंग सी हो रहे, जिंदगी मोल ना मगरों लत्थी, औंतरी जानी मंग सी हो रहे, हिम्मत भी मुँह भरने डिगी, ले खड़ाई तंग सी हो रहे। मैं सोचा कि चलो हूँ पंजाबी तुहानू सुना रही हैं तो फिर पंजाबी दे विच गल भी कर लैंदे हैं, तो हूँ मैं इहदी अगली जिहड़ी गज़ल आ उह ओपन करन लगी हाँ, ओपन खोलन लगी। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं जी हमें पंजाबी नहीं आती, तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। ये अभी ओपन वो ऐसे मुँह से निकला, लेकिन ये है कि जी मैं पंजाबी की स्पीकिंग हूँ और बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती हूँ। बड़ी अच्छी क्या, मैं बहुत प्योर पंजाबी एक्सेंट है मेरा। इंग्लिश के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं इंग्लिश में बहुत बुरी हूँ जी, इसीलिए मैं UK नहीं जा रही, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। जाके हमें गोरों को पागल किया होगा मैंने, वरना मैंने तो ज़िंदगी जश्न बहारा। कंधा विच ना वजदे बंदे, कशफ इस लाइन में पता क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है तू जो पल्लू किता होता, यानी कि अगर उसने नकाब या कोई पल्लू समझ रही है ना, वो उसने किया होता लड़की ने, ठीक है, इसमें वो शायद अपनी महबूबा को कह रहा है। तो कंधा विच ना वजदे बंदे, यानी लड़के पागलों के दीवारों में ना बजते फिरते। ये मैं पहुँच गई ना पॉइंट तक। रब्बा तेनू थोड़ा है केड़ी, तेथों भी नहीं रजते बंदे, थोड़ नहीं नहीं एक मिनट, रब्बा तेनू थोड़ा एक केड़ी, थोड़े केड़ी, तेथों भी नहीं रजते बंदे। हाँ, मतलब इसमें वो कह रहा है कि मतलब अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो इंसान को हर नेमत से नवाजता, लेकिन फिर भी बंदे जो है ना वो उनका पेट नहीं भरता। कसमें मंजिल मिल जानी सी, एक पास से जे भजदे बंदे, भजदे भजदे मतलब भागते, ठीक है। वो कह रहा है कि मंजिल मिल जानी थी, लेकिन ये जो एक राह के मुसाफिर नहीं होते, यानी इधर भी टांग रही, कॉल आ गई थी एक हमारी जानने वाली आंटी की, तो लास्ट लाइन रह गई थी, मैंने सोचा आपको भी पढ़ के सुना दें। दोहां सदियां तिकर जिन्ना जचदे शेर ते चजदे बंदे, दोहां सदियां तिकर जिन्ना जचदे शेर ते, मुझे इस लाइन की समझ नहीं आई, प्लीज़ व्यूअर्स अगर आप इसकी तशरीह करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। के साथ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।